के सब अवार्ड हैं ये, इनकी मेहनत का रिजल्ट है। इतने अवार्ड एक साथ बहुत मुश्किल से कहीं देखने को मिलेंगे। बेनीवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने घोड़ों की दुनिया में इतनी मेहनत करके इतने आपने इनाम और ट्रॉफियां पाई है। आपको देख के नए बच्चे भी मोटिवेट होंगे सा। तो थोड़ा ट्रॉफी के बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं, कौन सी ट्रॉफी कहाँ और ये तो कहाँ कहाँ आपने घोड़े विनर रहे? मुक्तसर में, अच्छा, नेशनल लाइफ स्टॉक चैंपियनशिप जो होती है उसमें 2013-14 में अपनी ब्रूड मेयर कैटेगरी में घोड़ी फर्स्ट पोजीशन पे रही। अच्छा अच्छा, 2014 में, 13-14 दोनों साल में। अच्छा अच्छा, और अच्छा, उसके बाद में 2017 में स्टेलियन कैटेगरी में अपना स्टेलियन जो हीरा है, हाँ जी, वो थर्ड पोजीशन पे आया था, सेकंड रनर अप। अच्छा, चैंपियनशिप में रहा था, हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद में फिर जोधपुर 2017 में स्टेलियन कैटेगरी में अपना स्टेलियन जो हीरा है, काला कांटे का बच्चा है, वो सेकंड पोजीशन पे रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसी के उसके बाद में बालोतरा और शो में, हाँ जी हाँ जी, अपना स्टेलियन जो हीरा है 2017 में फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। बिल्कुल, और बिल्कुल, बेस्ट एनिमल ऑफ द शो बना था। बिल्कुल, और उसी साल मैंने भी लगाया था जयदेव, मेरे पास था, वो सेकंड आया था। आप भी सेकंड आया था, फर्स्ट आपका हीरा आया था। बहुत खूब बहुत खूब, आपको देख के हमको भी यूं लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमको भी। और इधर ये जो ये फोटो वगैरह लग रहे हैं, ये तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, अच्छा, वो ट्रॉफी दे रहे हैं अपन। अच्छा, 2013 में, 2013 की, हाँ जी हाँ जी, 2011 में भी अपनी घोड़ी वो चैंपियन आई थी जी, वो वाली सामने वाली, हाँ जी, अच्छा 2011, हाँ जी 2011 में। बहुत मेहनत की आपने, ऊपर वाले ने भी आपका पूरा साथ दिया है। अपन दिल से मेहनत करते तो ऊपर वाला पूरा मेहनत करता है, मेहनत का फल मिलता है, हाँ जी, मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत के, हाँ जी हाँ, के सिवा कोई प्रोग्रेस करने की कोई वो नहीं है जी। तो आप जो थोड़ा सा नए जो बच्चे हैं जो अभी हॉर्स की दुनिया में जुड़े हैं, तो उनको आप थोड़ा सा कोई आपकी तरफ से कोई यही कहना है भी मेहनत करो, अच्छी चीज परचेज करके लाओ, हाँ जी, और हाँ, उसकी अच्छी सेवा करो आप, हाँ जी, अच्छी हाँ, ब्लड लाइन की खरीदो, हाँ जी, ताकि आगे आपको उसका बच्चे वगैरह भी वो अच्छे मिले, हाँ जी, और प्रोड्यूस भी वो बढ़िया करेगी और आपका भी मनोबल बढ़ता रहेगा। हाँ जी सर, जैसे आपके हिसाब से कौन सी लाइन के घोड़े अपन जैसे कोई खरीदे तो उस लाइन के जानवर अभी जैसे मार्केट में उनकी वैल्यू ज्यादा है, ऐसा कोई आपके हिसाब से कोई नॉलेज? तो आलीशान की लाइन चल रही है जी सारी। अच्छा, आलीशान देवली लाइन है, देवली लाइन, हाँ जी हाँ जी। अभी आपके पास कितने घोड़े घोड़ी हैं? मेरे पास अब 26, हाँ जी, पहले तो शायद ज्यादा थे, मैं 40 थे लगभग। अच्छा, अब उसमें सेल कर दिए कुछ। अच्छा, थोड़ा उसमें भी सुधार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए हाँ कुछ नया पुराना होता रहना चाहिए, मन आ रहा है, अच्छे पैसों में सेल हुए हैं। अच्छा अच्छा, अभी लॉकडाउन में, लॉकडाउन में, अच्छा, हाँ लॉकडाउन में क्या लोगों को शौक भी खूब लगा घोड़ों का, खूब लगा घोड़ों का, और खूब बिके हैं, हाँ जी, और परचेज भी 5-6 घोड़ियां अपन परचेज भी करके लाए, हाँ जी, अभी आप गुजरात से भी लेके आए थे, गुजरात से 2 घोड़ियां लेके आए, हाँ जी हाँ, अच्छी घोड़ियां दोनों, पुरानी लाइन की, दो बच्ची मैं सांचौर से लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, गोल वाले घोड़े की बच्ची है दोनों ही, हाँ जी हाँ, एक की माँ आलीशान की बच्ची है डायरेक्ट, हाँ जी हाँ जी, और एक की वो बालनी मटकी है, एक वो फूलमाल लाइन की घोड़ी है उसकी बच्ची है। अच्छा,
अभी दो बच्चे आप वो भी लाए, एक कांटे की और एक शान। एक कांटे की लेके आए, एक शान की लेके आए। हाँ जी, अभी तो आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया। तीन घोड़ियां है वो दिलबाग से प्रेग्नेंट है अपनी। अच्छा अच्छा, जो चैंपियन आई थी गोरी। हाँ जी, एक मेरे पास तूफान की डायरेक्ट घोड़ी और है, वो भी दिलबाग से प्रेग्नेंट है। अच्छा, एक मेरे पास नीली घोड़ी है, वो भी दिलबाग से प्रेग्नेंट है। तीन घोड़ियां दिलबाग। कलेक्शन बहुत अच्छा आपके पास। हमारी शुभकामना है आप ऐसे ही अच्छे घोड़े तैयार करके हिंदुस्तान में आपके घोड़े का अच्छा नाम, और घोड़ों के साथ अपना भी नाम, आपका नाम भी सही है। सही बात है, घोड़े के पीछे ही है, सही है सर। ये रिलेशन जो है सब घोड़ों के वजह से ही बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर घोड़े नहीं होते तो ये रिलेशन नहीं बनते। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।